Welcome children to our YouTube Books Rapid YouTube channel. Okay, तो last class रे हमें तुम्हारा grammar book रो last ninth chapter the passive discussion कर चले right? तरह next हाँ जो activities इटा हमें आजी cover करीबा. से chapter पूर्वरो किसी तुमको objective questions दिया जाए इतना. I hope everybody has done that. Actually all these are for free, so you should take the advantage. आउ इटा भल किना प्रिपेयर करिवो बिकॉज एक्टिविटी टू एंड एक्टिविटी फाइव आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके टेंथ बोर्ड रे ए दीटा रो जेमती हेले भी क्वेश्चन आसुची राइट. सो द लेटर द एक्टिविटी 5, 6, 7 and 8 विल डिस्कस टुडे. ओके तो बेसिकली हमें कौन देखिले पैसिव रे सेंटेंस फॉर्म करिया पई दीटा जिंस होचे हमर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज टू सेंस द टेंस को टेंस रे अछि एक्टिव टे जो टेंस रे थिबो हमको सब बेले पैसिव टा को सेई टेंस रे मेंटेन करिवा को पड़िबो जो टेंस रे क्वेश्चन टा थिबो आउ सब बेले पैसिव रे वर्ब रा थर्ड फॉर्म लागिवो राइट. एटा हमको नोटिस करिवा को पड़िबो राइट. ओके तो आज हमें कोन देखिबा देखो कि वी हैव डिस्कस्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इन एक्टिव फॉर्म्स आर चेंज्ड इनटू द पैसिव फॉर्म्स. ओके बर्तमान डिक्लेरेटिव पढ़ी देले बर्तमान इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बा प्रश्नवाचक क्वेश्चन को हमें केमती चेंज करिवा सेटा हमें आज डिस्कशन करिवा राइट. द देखो एक्टिव रे जदी अछि डिड द हंटर किल द बर्ड यस्टरडे प्रथमे कोन करिया पड़ियो प्रथमे ए सेंटर टा को इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे कोन करिवा डिड द हंटर किल द बर्ड यस्टरडे ता माने कोन हेची द हंटर डिड द हंटर डिड किल द बर्ड यस्टरडे सेटा हला तारा डिक्लेरेटिव फॉर्म. हंटर किल्ड द बर्ड यस्टरडे डिड किल माने कोन सेटा पास्ट टेंस अछि तनो किल्ड द बर्ड यस्टरडे ता माने तको हम फिर नेगे चेंज करिया कोन हो द बर्ड वाज किल्ड यस्टरडे है ना पैसिव रे चेंज करिया पे द बर्ड वाज किल्ड यस्टरडे ता परे हम तको देखो बेसिकली एटा एते तमे एग्जाम रे स्टेप 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 करके त चेंज करिवे ने एटा तको बुझिया पे दे छथि किंतु तमे डायरेक्ट जो फार्मूला मु सिखैतले सेटा पुट कर देखो आंसर पाइ जबो. देखो मु तमु सिखौ छी डिड द हंटर किल द बर्ड यस्टरडे हम एटि कोन करबा ऑब्जेक्ट को आगु को नै आसीबा तले कोन आसीबो द बर्ड. ओके वर्तमान टेंस आसीबो डिड अछि जेहेतु हम इंटरोगेटिव करबा हम आंसर टा को इंटरोगेटिव फॉर्मेट रे रखबा डिड टा पास्ट टेंस तनो हम बर्ड गोटे सिंगुलर जेंस तनो हम ता पई पास्ट टेंस रे कोन लिखबा वाज लिखबा. ओके वाज द बर्ड ऑब्जेक्ट आगु कासीबो तन वाज द बर्ड किल्ड किल्ड थर्ड फॉर्म किल बाय द हंटर बुझेला बाय पुनी सब्जेक्ट क्लियर. अच्छा सेमती देखो हू रोट दिस बुक हू रोट दिस बुक एटी कोन लिखिबा दिस बुक हला ऑब्जेक्ट को आगे को आनिबा दिस बुक रोट पास्ट टेंस रे अछि तनो दिस बुक वाज राइटर फॉर थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन द दिस बुक वाज रिटन बाय हुम प्रश्नवाचक बुझेला हू रो प्रश्नवाचक कला को हुम हे जीव बुझियो छी. देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो हाउ डिड यू वर्क आउट द सम ए सम टा तमे केमती सॉल्व करलो एडी पुने ऑब्जेक्ट को आगाना हाउ वाज द सम वर्कड आउट वर्क द थर्ड फॉर्म वर्कड आउट. ओके नेक्स्ट वन व्हाई डिड ही बीट हिज सर्वेंट त प्रश्नवाचक कला को कोन करबा व्हाई त रहिबो व्हाई हु वाला प्रश्न अर्थ रहिबो व्हाई त व्हाई डिड अछि तण वाज टेंस रे आ बीट रे थर्ड फॉर्म कोन बीट बीट बीटन ताले why was his servant beaten right. fourth example देखो when did he return the book to the library. okay प्रश्नवाचक तेनो interrogative format रे when will become when so when the book टा होची object book आकु कासिबो when book is a singular one so when was the book returned third form returned to the library clear. next this see example 5 Where did he find it? Where did he find it? So the object is easier. So the interrogative format will remain same. Where was it found? Where was it found? Clear? Okay. So the restrictions on the use of passive. Eta tamhe passive re discussion karle. Bartaman dekho passive ra रेस्ट्रिक्टेड यूज को जगह हमें पैसिव टा को यूज करी पारिबा नाही सेडा डिस्कशन हबो. ओके द रेस्ट्रिक्शंस फर्स्ट फॉर्म कोन नॉट ऑल एक्टिव वर्ब्स कैन हैव पैसिव फॉर्म सो प्रत्येक एक्टिव फॉर्म टा को पैसिव करा जाई पारिबो नाही को बले तार वर्ड्स रे लिस्ट दे दे छन यू हैव टू रिमेंबर दैट आई हैव अ कार हैव रो थर्ड फॉर्म हार्ट किंतु
While changing an active sentence into passive, आमे have रा third form, a car is hard by me लिखिबा नहीं. Okay? So there are a list of words. Have, to eat, to take, to experience, to suffer, etc. cannot be passivized. एउटा किछ sentences दिया जाएची, जो गुड़ा को passive form रे लिखा जिबो नहीं. Okay? बुझेला? Next. Similarly, passive sentences like I am resembled by my father, courage is lacked by him, these types of sentences are not acceptable. These are the list of the sentences given. जोटा के हम ए वर्ड्स गुड़ा दे जाइची, ए वर्ड्स गुड़ा मन रखे हुआ जहाँ का passive form टा accept करा जाए नहीं. It's not wrong grammatically, but mostly it's not accepted. This is the wrong use of grammar. इटा को गलत use वाली भावा जाए. Okay? Okay. Though the following underlined verbs occur with objects, they have no corresponding passive forms. Kichhi word diya jaichi jahara corresponding passive form nahi. Jahugura ko ame absurd ba unnatural bhabu thau. Tenu segura ko use kara jiba nahi. Segura ko passive form ta acceptable nuhe. Okay. Next hoche reflexives. Reflexives are the subject of passive construction are unacceptable. Acha reflexives kono? Are pronoun re ame padichi na reflexive pronoun. जो जगह रे myself, self रे यूज होती बस सिंगुलर रे अथवा प्लूरल रे जमती के myself, yourself, itself, themselves, ourselves ये बोले सेंटेंस जोड़ी थी बस से जगह रे हमें तक पैसिव रे यूज करी बा नहीं बुझे ला वर्तमान देखा reciprocal pronouns like each other and one another cannot be used as the subject of passive construction. जो सेंटेंस रे जो active sentence टा each other बा one another type रे sentence रे use है इथा ऐसे sentence को हमें passive form रे use करी पारी बा नहीं. Okay? Next देखा intransitive and link forms have no passive verbs. Intransitive तो हम पढ़ी चो असमापिका क्रिया इंट्रांजिटिव भर्ब्स रे पढ़ी थिले ना जेमती की सेंटेंस देची असमापिका क्रिया बट लिंक भर्ब्स जो भर्ब्स रे दीजो दीटा पार्ट को लिंक करथुव सेई पार्ट रा पैसिव फॉर्म नाही सेगुडा को हमें पैसिव फॉर्म रे यूज करी परिबा नाही जेमती देची द पेन कॉस्ट 10 रुपीस द 10 रुपीस वाज कॉस्टेड बाय द पेन एंती हुए नी. ओके स्लिप्स द बेबी स्लिप्स 10 आवर्स अ डे that slips ra bhi eta re hei pariba nai passive form. So there are a list of words which are given which you cannot take in a which you cannot use in a passive format. Okay, eta tumi janitha for your knowledge, though these types of questions don't mostly appear, still it's better to know its usage, right? ओके वर्तमान आ गोटे कौन दे इंपेरेटिव वर्ब्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस जानी छो जेंती लेट सॉर्ट ऑर्डर दबा भले जिन सथिबो सही भले जगह रे मोस्टली लेट को माने रखदा लेट थीबा जगह रे सेटा सही सेंटेंस गोडा को एक्टिव फॉर्मेट रे रहबक पड़िबो ताको हमे पैसिव रे यूज करबा नहीं. ओके तले कौन दे ना देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड ओनली इन पैसिव किछि वर्ब्स अछंती जोटा सब बले पैसिव फॉर्म रे ही यूज हेइ थांती. ओके गांधी जी वाज बर्न इन 1869 this burn was is burn burn eta third form re hei ni eta sabu bale bonta eta passive form re hi use hechi he was drowned in the river passive form re hi sabu bale hechi right intransitive phrasal verbs cannot be passivized transitive phrasal verb ko ba samapika verb ta ko ame phrasal verb re jo use koiche ta ko am passive form re use kari pariba kin jo intransitive phrasal verb achi tara passive form re use hei pariba nahi. All the lights in the town went out. Okay. देखो इटा intransitive phrasal verb वाला go out. इटा कौन है लट gone out. इटे all the lights of the town went out. इटा passive रे use ही नहीं. Gone out हवा करता ना passive रे इटा gone out ही नहीं. Passive form रे use ही नहीं. These phrasal verbs are always used like this. There is no rule. You should remember that intransitive phrasal verbs. cannot be pacified. This is the normal rule. एम्ती ही use है परिवार. The car broke down on the way. The car broken down हो बना ही. Okay? Because these are intransitive phrasal verbs. जिम्ती cut down, called up, run over. एक उड़ा एम्ती as it is ही use अब. The tree was cut down. Cut 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 तो तुम जान चुके cut third form cut. तो नहीं इतने problem नहीं. The strike was called up. Called up भी called up. रन रे भी जानचे रन 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 नहीं हुए तो एटा एम्ती भी प्रॉब्लम हबनी थर्ड फॉर्म रे अदरवाइज यू रिमेंबर के एटा इंट्रांजिटिव कट डाउन कॉल अप रन ओवर एगुडा कर थर्ड फॉर्म रे
एगुड़ाक इंट्रांजिटिव तेणु जमी फ्रेजल वर्ब था रही पास्ट टेंस रे यूज हो। ओके ओके नेक्स्ट एक्टिव इनफिनिटिव विथ पैसिव मीनिंग्स यू आर नॉट टू ब्लेम यू आर नॉट टू ब्लेम मैंने तुमको दोष दिया जीवन नहीं एक्टिव सेंटेंस यार अर्थ कौन कहु तुमको दोष दिया जीवन नहीं आम आखिरिक अर्थ में इंग्राजी में दुई टाइप रही यू आर नॉट टू ब्लेम यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड राइट बोथ द सेंटेंसेस राइट यार एक्टिव फॉर्मेट रे भी राइट यार पैसिव फॉर्मेट रे भी राइट देयर इज अ हाउस टू लेट द हाउस इज टू बी लेट एको खाली दुटा फॉर्मेट चेंज कर बोथ द फॉर्मेट्स हैव द सेम मीनिंग्स प्रथम टारे भी एटा पैसिव मीनिंग ही देउची जोटा एक्टिव फॉर्मेट रे लिखा जायची दो द स्ट्रक्चर इज एक्टिव येट द मीनिंग इज ऑलवेज पैसिव फॉर्म। ओके use of the by plus the agent phrase in the passive passive re ame kon korche sabu bele by the kar ki agent ta ko karta ta ko lekhuche na tare use bata jai chi suna we have seen that the use of the by plus the agent phrase is most passive sentences is not necessary sabu bele ame by plus gote agent ko lekha jaunu jemti ame kon by the so by somebody by anybody e bele sabu bele lekha jae nai nai kete bele karta ko hi rakha jae it is understood most of the time so mostly ame lekhunu but there are a few situations where the by plus the agent phrase is used in passive sentence because the speaker here while talking about the action wants to provide additional information about the doer of the action jette bele ame specifically कर्ता विषय रे किछ कर्ता को स्पेसिफाई करिबा कर्ता को पर्सनलाइज करिबा जे या द्वारा ही कार्यटी संपादन हेची सेते बेले आमे ताको बाय प्लस एजेंट एजेंटा लिखिबाटा जरूरी अदरवाइज कामटा गुरुत्वपूर्ण तेणु आमे से कामटा को एज इट इज बिना बाय प्लस एजेंट रे लिखि परिबा बुझेला। ओके we use by minus phrase in the passive when the agent is an important person jete bele ame gote important scientist gote jinsa kahithibe kimba jane specific writer balmiki sorry ramayan was written by balmiki eita tame balmiki likhibata jaruri because you want to specify some person who is very special who has written this right सब जगार गीत गोविंद या द्वारा लिखाई से सब जगार गोटे स्पेसिफिक पर्सन हु इज फेमस फॉर द एक्ट इन दैट केस वी हैव टू राइट द बाय प्लस द एजेंट अदर इन ऑल अदर केसेस वी कैन ओमिट देम। ठीक है जी ओके ताले हमें कौन देखिले वी यूज द बाय फ्रेज बाय माइनस फ्रेज इन सेंटेंसेस वेयर द एजेंट इज इनएनिमेट और नॉन लिविंग थिंग देख जो जगह जहाँ द्वारा करागला सी गोटे नॉन लिविंग थिंग जो इम्पोर्टेंट नुहे जो गोटे अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड थिंग से जगह आम बाय लिखाटा जरूरी नुहे। ओके दिस होटल इज रन बाय रोबोट द ट्राफिक इन आर सिटी इज मैन बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ओके बाय फ्रेज इन पैसिव सेंटेंसेस एटी पैसिव सेंटेंसेस रे एटी सॉरी हम एटा प्रथम टा छाड़ देले हां एटी देखो व्हाइल अ वुडकटर वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ही वाज सडनली किल्ड बाय अ टाइगर हियर अ टाइगर अ चाइल्ड आर इंडेफिनाइट एंड दे प्रोवाइड रीडर्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन ए विषय रे देखो जोटा समथिंग न्यू जोटा विषय रे हम जानि नै सेही जगह रे लिखिबाटा जरूरी खाली से मरि गला बेले त कहबे नै केमिति मरि गला दैट्स अ हिडियस एक्टिविटी एटा लुकायित अछि तेनो ता विषय रे रिसर्च करनती ता विषय रे जानिबा जरूरी राइट ए प्रॉब्लम टा डिफिकल्ट थिला बट इट वाज सॉल्व बाय अ चाइल्ड बट इट वाज सॉल्व करियो नि छोटो एटा गुटे लोकंकर जानिबा भलिया जिंस केते डिफिकल्ट थिबा सत्य गुटे छोटो छुआटे सॉल्व कर देला सो इट हैज टू बी रिटन बुझेला सेमिति एटी जोठी इनानिमेट ऑब्जेक्ट मा नॉन लिविंग थिंग अछंती जोटा के अनएक्सपेक्टेड तमे जाने ना बट नॉन लिविंग थिंग एते जिंसटा करि परिबो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू जोटा लोकों को जणैबा कथा बेसिकली जो जिंसरे हम जानु छै कि एटा समस्त जानिबा कथा बट दिस इज समथिंग इंपोर्टेंट द वेयर द एजेंट कर्तार किछ गोटे वैल्यू रहउची कर्ता ए कामटा करिबा पई कर्ता बिकम फेमस फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी सेई सब जगह रे बेसिकली हमें बायरा यूज करिथाउ बुझेला। ओके वी हैव आल्सो सीन दैट मोस्ट पैसिव सेंटेंसेस आर विदाउट बाय प्लस इटा हमें देखी छे माय पर्स हैज बीन स्टोलन स्टार्स वर क्रिएटेड मिलियन ऑफ इयर्स अगो इट बाय लिखियो बहुत गुड सेंटेंस अछि जोटी बाय द थीफ वाज अरेस्टेड इट बाय द पुलिस लिखियो दरकार नै है ना ग्रेप्स आर ग्रोन इन हैदराबाद बाय गोटे को फार्मर ना लिखियो दरकार नै है ना द पेशेंट वाज एडमिटेड बिकॉज़ दिस इज व्हाट इज इंपोर्टेंट इन द सेंटेंस गेटिंग इट
तेणु एटा देख जो एजेंट टा इम्पोर्टेन्ट से जगह आम बायटा लिखा आ गोटे कौन देखिए ना पैसिव सेंटेंस रे बहुत गुड़े पैसिव सेंटेंस बेसिकली ऑफिशियल नोटिस रे लीगल स्टेटमेंट्स रे साइंटिफिक साइंटिफिक तथ्य जोटा थी से न्यूज पेपर राइटिंग्स रे गुड़ाक पैसिव फॉर्मेट रे बेसिकली लिखाई था ओके ओके लेट्स देन स्टार्ट डूइंग आवर फिफ्थ एक्टिविटी एक्टिविटी फाइव कौन कौन सी क्वेश्चन पढ़ा Write a passive sentence for each of the following situation using the active verb supplied in brackets. The first one has been done for you. Okay. My author says activity 2 and activity 5 are very much important from the examination point of view. So be concentrated enough. Eta bhala ki dhyan deki suna. Dekho. Eta kariba purvaru kon mane rakhiba? The passive padheba purvaru mu kon koichi? Eta re ko jinsa mane rakhiba? Tense aau verb ra third form. Bas eta mane rakha sabbu jinsa ape ape hejibo. Aau kichi एटी कसरत करिया दरकार नहीं तो कौन दे माय ग्रैंडफादर डिड नॉट डाय ओके तो डिड नॉट डाय ब्रैकेट रे मर्डर दे माने से मरी ना मारा जाए तुम बुझी पार्च वर्तमान देख व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड डिड नॉट अच्छी दैट मीन्स द सेंटेंस हैज टू बी इन पास्ट टेंस नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मर्डर दिया जाए मर्डर थर्ड फॉर्म कौन मर्डर सी द सेंटेंस हैज बिकम सो इजी फॉर यू नाउ ही वाज मर्डर्ड डिड को आमे काढ़िले पास्ट टेंस अच्छी तेणु ही लिखिले ही वाज पास्ट टेंस तेणु वाज लिखिले ही वाज मर्डर्ड क्लियर लेट्स थ्रो द नेक्स्ट वन पीपल से ही रिजाइंड हिज जॉब बट ही डिडंट सैक सैक माने काको बाहर कर दिया जीवा चाकरी रु बाहर कर दिया गला देख ही रिजाइंड हिज जॉब से जॉब रु करिनि ताको बाहर कर दिया जाय छी डिड अच्छी बट ही डिड नॉट माने से रिजाइन करनी ताको काढ़ी दिया जाय छी डिड नॉट माने पास्ट टेंस अच्छी सो ही वाज सैक रो थर्ड फॉर्म सैक He was sacked. Mostly regular verbs are sab pratyek case re mostly nu sab bade regular verbs e ed lage dekhiwa it murdered sacked egula sab regular verbs tado eta sacked he didn't leave the examination hall asked to leave mane se nije jani jani ke karne taku bahariba ko kuha gala eti kon hobo he was asked to leave hela एटा लेफ्ट कर दबनि पिला माने आस्क अछि आस्क टू लीव करिवो आस्क रा थर्ड फॉर्म लागिवो ओके डिड नॉट छरी तें पास्ट टेंस लागिवो क्लियर द शॉप डिड नॉट ओपन पुनी पास्ट टेंस तण कोन हबो द शॉप पे इट लगेले इट वाज फिर क्लोज रा थर्ड फॉर्म क्लोज डाउन ओके इट वाज क्लोज डाउन नेक्स्ट ही डिडंट डू हिज होमवर्क यस्टरडे पनिश्ड Didn't achieve. Puni past tense. He was punished. The third form punished for not doing his homework. Okay. He couldn't come out of water. Drowned. Drowned. Nani budi jiba. Pani ko bahari paila ni mane pani re budi gala. Couldn't achieve. He was drowned. Couldn't mane ati tar hai gala ni jinsa teno past tense le kiwa he was third form drowned. He was drowned. Okay. My request was not entertained. My request was not entertained. Dekho ame eta phrasal verbs padhithile. केंते हम इट वाज टर्नड डाउन रिक्वेस्ट अच्छी तेणु देखो वाज अच्छी तेणु पास्ट टेंस रिक्वेस्ट सिंगुलर तेणु वाज इट वाज टर्नड डाउन नेक्स्ट सेंटेंस द डॉक्टर डिडंट कम इन टाइम पीपल वेटेड फॉर हिम ब्रैकेट रे कीप्ट अच्छी अच्छा ये हम कहाँ पे लिखा कीप पीपल पे लिखा पीपल ये रखले बहुत जन अच्छा तेणु आम दे लिखिली दे वर केप्ट वेटिंग है प्लुराल कली तेणु वर कली दे वर केप्ट वेटिंग सिक्स्थ एक्टिविटी देखो फिफ्थ एक्टिविटी भले बुझे ना भले मन रखियो फिफ्थ एक्टिविटी स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट अ पैसिव सेंटेंस फॉर ईच ऑफ देम द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू अच्छा ये कौन कौन किछ गुडा सिचुएशंस तुमको दिया जाय छी सिचुएशंस को जज करी कि कोठी कर्ताटा एजेंटटा इंपोर्टेंट से जगह एजेंट रे लिखिबो बाय देर कि जो जगह रे एजेंटटा इंपोर्टेंट नहे सिचुएशन रे तुमको सेटी मेंशन कर दिया जीवो जेई सिचुएशन रे कर्ताटा इंपोर्टेंट नहे से जगह रे तमे लिखिबो नाही बुझियला चलो फर्स्ट एक्टिविटी सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जोड़ा एग्जांपल देछि सेटा डिस्कशन करिवा यू वांट टू टॉक अबाउट ओडिया भागवत यू वुड लाइक टू मेंशन इट्स ऑथर जगन्नाथ दास देखो एडी लिखा जाइछि जगन्नाथ दास को मेंशन करिवो त माने बाय द एजेंट रहिवो तले कोन लिखिवो जे तुम पैसिव रे लिखुछ तेनु ये लिखि चंती त लिखो लिखिवानी यांको द्वारा लिखा जाइछि लिखिवो सो व्हाट यू विल राइट द ओडिया भागवत वाज रिटन पास्ट टेंस वाज राइटर थर्ड फॉर्म वाज रिटन बाय जगन्नाथ दास क्लियर ओके नेक्स्ट वन वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्राइज योर फ्रेंड मोहन ओन
You would also like to mention your friend's name. देखो ये बाय रही मेनसन करने को दिया जाए सो व्हाट यू विल राइट पास्ट टेंस सो वन देची तनु पास्ट टेंस हबो है ना तले कौन विन कर छी से ना प्राइस विन कर छी सो व्हाट विल राइट द प्राइस प्राइस इज सिंगुलर सो विल राइट द प्राइस वाज वन बाय माय फ्रेंड मोहन क्लियर नेक्स्ट वन यू हैव सीन वन ऑफ योर फ्रेंड्स ब्रेकिंग अ चेयर यू हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू योर क्लास टीचर विदाउट डिस्क्लोजिंग योर फ्रेंड्स नेम दैट मीन्स हियर यू डोंट हैव टू मेंशन द एजेंट्स नेम सो नो बाय प्लस एजेंट इज नीडेड हियर यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस द फैक्ट तो फैक्ट कौन है ना चेयर टा भांगी दिया जाए इन पैसिव फॉर्म इट विल बी लाइक दिस राइट चेयर टा भांगी जाए सो व्हाट यू विल राइट देखो एटी ब्रेकिंग अ फ्रेंड योर फ्रेंड ब्रेकिंग अ चेयर यू हैव सीन माने प्रेजेंट टेंस रे अछि नो नीड टू राइट द पास्ट फॉर्मेट व्हाट यू विल राइट हियर द चेयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन सो द चेयर इज ब्रोकन क्लियर नेक्स्ट वन Your teacher asks you to write an essay in a week's time. You are not sure of yourself. You have to tell your teacher that you'll finish it in time, but you don't want to take a risk. Okay, so what will be the answer here? Dekho, tumko time diya jaichi, tumhe likhi bahut, so all this will be in future tense. So the answer will be the essay will be third form of written. So the essay will be written in a week's time. Very easy. Just you have to keep two things in your mind. Repeatedly, I am telling you. Tense plus third form of the verb. That's it. Aao kichu karivara nahi. Hala? You want to talk about the delicious cakes your villages make during the Raja festival every year. You are at this moment not interested in the villages. Tenu villages likhibara jaruri nahi. Mane by likhibara jaruri nahi. Tale kona likhiba? Na delicious cakes. आर मेड सब बड़े हुए तेनो एटा प्रेजेंट टेंस रहइबो सब बड़े हुए तेनो हम कोन लिखबा डेलीशियस केक्स प्लुरल रे छंती तेनो डेलीशियस केक्स आर मेड थर्ड फॉर्म मेकर आर मेड ड्यूरिंग राज फेस्टिवल एवरी ईयर ओके यू डोंट नो हु क्रिएटेड अर्थ लॉन्ग अगो यू वांट टू नो टॉक अबाउट इट्स क्रिएशन तो बाय लिखवा दरकार नहीं बिकॉज़ यू डोंट नो अबाउट द एजेंट सो व्हाट यू विल राइट द अर्थ वाज क्रिएटेड देखो लॉन्ग अगो बहुत आगुर हो जाय छी तेनो हमें पास्ट टेंस रे रखिबा राइट ताल कौन लिखिबा द अर्थ वाज क्रिएटेड लॉन्ग अगो क्रिएटर थर्ड फॉर्म नेक्स्ट वन यू वांट टू टेल योर बेस्ट फ्रेंड दैट योर अदर फ्रेंड्स विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे दिस ईयर यू डोंट वांट टू से हु दे आर माने एठी समय एजेंट को मेंशन करिवो नाही से मना करची तो आमे कौन लिखिबो खाली लिखिबो जे बर्थडे टा सेलिब्रेट करा गला कर सेलिब्रेट करा जिवो राइट तले हम कोन लिखिबा विल अछि तनो हम फ्यूचर टेंस रे लिखिबा तो आंसर रे कोन लिख देखो इटी अदर फ्रेंड्स विल सेलिब्रेट अछि राइट तनो हम पैसिव फॉर्म रे भी विल लिखिबा तले कोन लिखिबा सेलिब्रेट रे थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड हबो सेटा भी जानि छि विल पखरे बी लागिबो सेटा भी डिस्कशन हे छि तले कोन हबो आंसर हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सॉरी सेलिब्रेटेड दिस ईयर ओके एक्टिविटी 7 देखो Use the verbs given in the brackets in the following sentences in the correct form. Correct form माने tense plus third form. Okay, कौन लिखिबा? Originally this novel हिंदी रे originally लिखा है थिला. तेनो कौन कहिबा? Was about writer third form written. So originally this novel was written in Hindi, but it was translated into Odia. बुझेला translator third form. Okay, next देखो. चीज टा खीर रु तैयारी हुए एटा त एमिति नै कि आगुर तैयारी होतला एबे तैयारी होबनी एबे बे होची तेनु प्रेजेंट टेंस रे लिखिबा पास्ट टेंस दरकार नै अच्छा मेक रो थर्ड फॉर्म कोन मेड तेनु इजी चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क देखलो केते इजी होची दिडा जिंस खाली मन रखिबो टेंस हो भर रो थर्ड फॉर्म त आपे बे सब क्लियर हो जाउची नै नेक्स्ट देखो एन एक्सीडेंट ऑकर्ड हियर दिस आफ्टरनून समबडी कॉल्ड एन एम्बुलेंस बट एज नोबडी देखो एक्सीडेंट ऑलरेडी आफ्टरनून रे हे गला नि त माने पास्ट टेंस हला ऑलरेडी जोटा हे जाई छी तो नोबडी पास्ट टेंस हला माखी बंद करके लिखियो वाज इंजर्ड थर्ड फॉर्म वो इंजर्ड तो वाज इंजर्ड हे जबो तार एम्बुलेंस पास्ट टेंस पोनी थारे वाज नॉट रिक्वायर्ड त एम्बुलेंस दरकार पडले नै द ऑफिस इज इन अ मेस द टेलीफोन इज नेवर आंसर्ड नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट एंड नो वर्क इज डन ऑफिस टा पूरा खराब अवस्था रे अछि ना फोन कॉल अटेंड करा जाउची ना ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करा जाउची ना किछ काम करा जाउची त माने सब तक प्रेजेंट टेंस रे रहला
तेणु इज प्लस वर्ब रा थर्ड फॉर्म लिखिली क्लियर नेक्स्ट वन द ट्री इज लाइंग अक्रॉस द रोड इट डैश इन द स्टर्म एटा कोन हबो ऑलरेडी हे गेलानी रोड रे पड़ची तेणु स्टर्म तक ध्वंस कर देची तले वाज लिखिबा अ प्लूर रा थर्ड फॉर्म ब्लोन इट वाज ब्लोन डाउन बाय द स्टर्म द लेटर वीक अगो देची अगुरु हे जे चितन पास्ट टेंस वाज पोस्टेड ओके The child is playing on the road. Was run over, run, ran, run. Who? Empty be run over. Present verb. Ta. Chandi hi Clear? Okay. Eighth activity kaun dechi? Na kichi instructions diya dechi. Janti mo tamko kabi plant the tree. Taman active form rakoli. Taku tamhe passive rakoli kaun likhwa? The tree is to be planted. Bujhe la? Sahi format re sab question diya dechi. Taku tamhe passive form re likhwa. जंती से देची use one tea bag to make each cup of tea so कौन होगा one tea bag is used for making each cup of tea सिंपली place the required number of tea bags in the kettle required number of tea bags are placed in the kettle बहुत कुटी थी place इला बहुत तेरे placed कर दो tense रह से यही रही वो सब तक present tense रह रही वो क्या कि तुमको करिया पे निर्देश कर दिया उची add boiling water as per requirement boiling water is added as per requirement Stir the water. Water is stirred, making sure that the tea bags do not open. Allow the tea to stand for 5 minutes. The tea is allowed to stand for 5 minutes. Pour the tea into cups. Tea is poured into cups. Right? Khali bhabra thought form rakhi da, wait the tenses of the present rachi hao. Add sugar and milk to taste. Sugar and milk is added to taste. Okay? Bujhela? तो आमे या संगे चैप्टर टा को एंड करले द पैसिव सरी गला वर्तमान लास्ट चैप्टर डिस्कशन करबा पछरे ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू